आया कब? हाँ। ये जी ये कॉकटेल फाइनली पकड़ लिया, पिंजरा ले वो पिंजरा, ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपको, इसलिए जो मैं बांधा हुआ था हाथ पे। हाँ महबूब डिजाइनर, समझ नहीं आ रहा आपको डिजाइन किस तरह बना रहे हैं, समझ नहीं आ रहा तो गए जी। दोस्तों कबूतरों के घर फाइनली तैयार हो गए हैं, ये नीचे वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमने नीचे वाला है, ये पोर्शन ऊपर वाला है। तो दोस्तों ये देखिए लक्की हमारे अपने घर के ऊपर बैठे हैं, माशाल्लाह काफी खुश नजर आ रहे हैं, इनका पक्का पक्का दोनों को इंतजाम हो गया है, घर के मालिक भी दोनों आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं और महबूब भाई आ चुके हैं मिनी जू में। तो दोस्तों सुबह सुबह मौसम सुबह सुबह तो ठीक होता है, लेकिन जैसे ही दोपहर का टाइम 12-1 बजने लगते हैं तो काफी धूप बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब सुबह सुबह का टाइम में हम अपने बर्ड्स को खोलते हैं, महबूब भाई चेयर लगा के पहले बैठे हुए हैं बर्ड्स को खोलने के लिए। महबूब भाई खोलने के लिए तैयार हैं आप? आज तो आप सेठों की तरह बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, आप जरा सी बात नींद से तो आके आपकी आंखें खोल नहीं रही, आपने लॉक पहले खोल लिए? नहीं लॉक कोई भी नहीं है, चाबी ये चाबी उठाई हुई है, आप चाबी उठाई हुई है, आप खोल के इनको दाना वगैरह इनका डालते हैं, पानी वगैरह भी रखते हैं जो स्लेपे वगैरह बना के गए थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, 3 दिन से ऐसे पड़ी हुई है, पता नहीं छत के साथ चिपक गई होंगी, मुझे तो ऐसे लग रहा है। हम इसे डेली पानी लगा लगा के थक गए हैं, तो वो आएगा इसे उतार के वहाँ पे शिफ्ट करेगा तो काम ख़त्म होगा ये, फिर हम सारी सफाई करेंगे। जब मिस्त्री का काम ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ये सारी जगह भी हमने क्लियर करनी है। बजिस वगैरह को भी देखते हैं, उनका दाना भी डालते हैं, पानी भी देते हैं, बस लेट हो रहा है काम, इंशाल्लाह हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। हम खुद भी थोड़ा सा परेशान है कि व्यूअर कहेंगे पता नहीं इतने दिनों से इनका काम ही कम्प्लीट नहीं हो रहा। बाकी ये देखिए इनको अब दाना पानी भी देते हैं। जी दोस्तों अब बजिस को हम सुबह का दाना और इनका पानी वगैरह डालने लगे हैं। महबूब भाई इन्होंने कटोरियां फिर उल्टा दी, देख रहे हैं आप कल आप लगा के गए? ये तो मैंने लगाई थी, मुझे समझ नहीं आ रही है नीचे कैसे गिर गई है ये, खुद मेरे ख्याल में उड़ के ना, ये कॉकटेल के हमारे जो टैंगो बैठे हैं इनके काम है। इनको भी आज अलहदा करते हैं, इनको भी पकड़ते हैं, जैसे हमने फिंचेस को अलहदा किया है इनको भी अलहदा करते हैं। ये दोस्तों ये देख रहे होंगे बजिस वगैरह का जो पानी था वो भी चेंज करते हैं, मुझे लगता है इसे प्यास लगी हुई थी। ये तो हमें समझ नहीं आ रही, यहाँ पे लगा हुआ था ये नीचे गिरा हुआ था सारा पानी, इसमें बिल्कुल ही खाली हुआ पड़ा था, और मुझे लगता है ये वाला जो बजिस है ना पानी पीने के लिए आ रहा है। इनको भी सोच रहे हैं कि काम कम्प्लीट हो जाए, मिस्त्री वगैरह का ये सारा कम्प्लीट हो जाएगा फिर इनको सारा कलर करेंगे। तो दोस्तों हमारे बाकी बर्ड्स का काफी शोर आ रहा है, हमारे कबूतर भी काफी देर से शोर कर रहे हैं, देखें दोस्तों मुझे लग रहा है आज काफी ज्यादा भूख लगी हुई है। डक्स का शोर तो आप डेली सुनते होंगे ना, ये तो चुप होने का नाम नहीं लेती, बस हमारे मुर्गी आज खामोश ठहरे हैं, मुझे लगता है इनका भी पेट फुल है। बाकी कबूतर और डक्स का तो काफी शोर है, ये देखे दोस्तों खरगोश भी हमारे अपने गाजरों को दूर से देख के बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। महबूब भाई खोले ही नहीं फिर है ना, जल्दी जल्दी खोल दे भाई खाना दे। ओके गैंग को ओपन करें, ये जी कबूतर आना शुरू हो गए। ओहो अंत तक मचा दिए इन्होंने महबूब भाई, ये 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 यो वो भी आया तो खरगोश भी आ गया, लगता है डरना बंद हो गया आपसे, ये डरना बंद हो गया, मुझे लगता है इनको आज भूख ज्यादा लगी है ना भाई। टांगे उठा के आपकी तरफ देख रहे हो, आज 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 अब आएंगे पीछे हो जाए ना, आ जाएंगे, आओ आओ आओ। तो वो भी तरह देखें तो सही किस तरह बाहर आ रहे हैं दोनों, खाने को भी ढूंढ रहे हैं, ये उसकी आदत नहीं खत्म हो रही दूसरे गेज में घुसने की ना, चल भाई बाहर चल चल। वो भी अब सर इसके ना दरवाजे कर देता हूँ बंद, ये देखे फिर घुस गए अंदर, लक्कों को देखेंगे किस तरह बैठे हैं, हमें निकालने के लिए भी कुछ आएगा। दोस्तों महबूब भाई सारों को खाना वगैरह डाल रहे हैं, आपने देखा होगा किस तरह हमारे कबूतर और डक्स भूखी थी, पानी वगैरह तो भर के रख दिया था ना पहले आपने। भाई आजो आजो रूबीन की गाजरें भी तो थी, गाजरें भी पड़ी हैं वो भी डालते हैं। तो दोस्तों सारे हमारे पेट्स और बर्ड्स सारे के सारे बाहर निकले हैं, लेकिन लगती है पहले सबसे पहले निकलते भी यही थे, लेकिन आज भी लग रहा है कि ये हमसे नाराज है, बाहर निकल नहीं रहे है ना, उधर से बुलाना पड़ेगा ये फिर निकलेंगे। चलो भाई चलो, ये एक निकल गया, ये जी दूसरा भी बाहर। तो दोस्तों हमने अपने सारे बर्ड्स को डाइट वगैरह डाल दी है, अब हम ये सोच रहे हैं कि अपने कॉकटेल को छोटे मास्टर गेज से निकाल के ना बड़े मास्टर गेज के इस हिस्से में ना शिफ्ट कर दें। महबूब भाई यही सा ठीक है? इसको ले आते हैं यहाँ पे शिफ्ट कर दो, उन्होंने बच्चे को बहुत तंग किया हुआ है, उनको भी लहदा करते हैं ठीक है। बाकी इनका कॉकटेल का और भी अभी आएंगे, 3-4 जोड़े और भी आएंगे, इनके लिए ये जगह बहुत है। ख्याल कीजिएगा लास्ट टाइम मैं आपने उसको बड़े छोटे मास्टर गेज में छोड़ा था, बड़ा मेरे मुंह में आ जाता है बड़ा मास्टर गेज, उसमें आपको उसने काट लिया था, आज फिर पकड़ते हुए फिर ना काट ले। बस आज जरा उस दिन मैंने हाथ से पकड़ा था, आज फिर कपड़े वगैरह से पकड़ेंगे।
दोस्तों में वो भाई ने कॉकटेल को पकड़ने का नया हर्ब इस्तेमाल किया, उन्होंने हाथ में उठाया रुमाल में, वो भी इस रुमाल में पकड़ेंगे आप इसे? रुमाल ऐसे हाथ पे लपेट के ना, अच्छा फिर पकड़ूंगा, पिछले मतलब उसने काट लिया था, देखते हैं क्या। ये तो एक हाथ पे चढ़ेगा रुमाल, दूसरे हाथ पे काट लिया फिर वो, ये इसे पकड़ूंगा ना, दूसरे से नहीं पकड़ूंगा। चलो देखते हैं, एक हाथ से पकड़ के आप हमें दिखा दें, पता लग जाता है अभी। तो महबूब भाई से रुमाल से पकड़ने लगे, अंदर गए हैं पहुंच, अब इनके स्टंट्स देखते हैं हम आज किस तरह इनको पकड़ते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है वो भाई आपने? नहीं नहीं घबराना तो है नहीं, वो तो खान साहब ने कहा सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। कोक टेल ने जी दौड़े लगवाई हुई है महबूब की ना। हाँ मैं वो बेहाल ने यार मुश्किल है, आया काबू। हाँ, ये जी एक कॉकटेल फाइनली पकड़ लिया, पिंजरा ले वो पिंजरा, ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपको, इसलिए तो मैं बांधा हुआ था हाथ पे। तो दोस्तों एक कॉकटेल हमने पकड़ लिया, ये मेरे ख्याल में रुमाल को काटने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही है पिंजरा लेके आए ना छोटा उसमें डाल। तो दोस्तों जिस छोटे वाले पिंजरे में ना भी हम इन्हें कर देते हैं बंद, तो वो भी आराम से इसको खोले, नीचे रखे उधर ही रखे, इसकी तार चेक कर ले निकल ना जाए ना फिर ये। नहीं नहीं वो टाइट है अभी इसको इसमें। हाँ पीछे करने से वो बंद करें मैं। जी महबूब शिकारी एक पकड़ लिया, दूसरा दूसरे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बंद कर दिया है, अब दूसरे को पकड़ते हैं, दोनों को पकड़ के फिर उधर शिफ्ट करते हैं। ठीक है जी करें कोशिश दूसरे के लिए भी। तो दोस्तों दूसरा हमारा टैंगो यानी कि कॉकटेल महबूब भाई ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। महबूब इसी तरह से पहले बंद करें, निकल ना जाए हाथ से। तो दोस्तों पहला पकड़ लिया, दूसरा भी महबूब भाई ने पकड़ लिया, अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं, फिर ले जाते उधर मास्टर केज में छोड़। देखो कैसे किस तरह उसको काट रहे हैं ये। दोस्तों हम अपने कॉकटेल्स को छोटे मास्टर गेज से निकाल लिया, महबूब भाई से छोड़ने लगे हैं बड़े मास्टर गेज के एक छोटे से हिस्से में। महबूब भाई इस पार्टीशन में, हाँ मैं तो कह रहा हूँ इसको अंदर ना रख के, ना अंदर रखें या बाहर से कैसे करें? मैं तो कह रहा हूँ अंदर रख के फिर छोड़ देते, क्योंकि ये पहले भी आपको काट रहे थे, मैं कह रहा हूँ ये उड़ ना जाएगी इस तरीके से। ऐसे ही है ये रख देते हैं। हाँ। इसका वो खोल देते हैं, फिर हम ये करेंगे बंद, जब निकलेंगे निकल जाएंगे वो, फिर उनको निकाल लेंगे बस। ठीक हो गया, यूं कर लेते हैं। वो भाई इन्हें आज नए घर में शिफ्ट कर दिया, आजाद करें फिर इन्हें। तो दोस्तों हमारे कॉकटेल ना इस पिंजरे से निकल गए, अब इधर आके बैठ गए हैं महबूब भाई, पिंजरे से निकल गए, देखा आपने? हाँ ये देखें, उस टाइम मेरे ख्याल में वो भाग दौड़ में ना काफी सांस चढ़ा हुआ था इन्हें। हाँ फिंचेस का मैंने दाना चेंज कर दिया था, पानी भी चेंज कर दिया था, जब से हमने इनको इधर बड़े वाले मास्टर केज में शिफ्ट किया ना, मैं वो भी आराम और सुकून से बैठी हुई है। हाँ। कि आज हम ना कबूतरों का घर तैयार कर लें, मेरी सोच तो यही है। महबूब भाई से पहले पूछ लेता हूँ कि आज इनका ना घर वगैरह कबूतरों का तैयार करके आज ही रेड में इनका घर फाइनल कर दें। महबूब भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं तो कहता हूँ बना देते हैं, फ्री ठहरे हुए हैं, टाइम तो हमारे पास बचा हुआ है, इनका घर ही बना देते हैं। कोई आइडिया प्लान जहन में है जिस तरह बनाए इनका घर? अभी है तो नहीं, अंदर जाके बैठेंगे, जाहिर सी बात है कभी बनाया तो है नहीं, चेक करते हैं, अगर बन गया तो ठीक है कोशिश करते हैं, अगर ना बना तो फिर किसी को बुलाएंगे या मिस्त्री वगैरह को बुलाएंगे, पहले खुद ट्राई करते हैं। अब वो भाई अभी है, बैठे भी है बाहर हैं। हाँ। अभी अपने पास टाइम भी है, मैं कहता हूँ अपन का घर वगैरह तैयार कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं घर तैयार करना। तो दोस्तों कबूतरों का घर तैयार करने के लिए ईंटें वगैरह सारी की सारी ना मैंने इस बड़े वाले मास्टर गेज में उनके घर में शिफ्ट कर दिए हैं। महबूब भाई अब इसके अंदर घुसेंगे, महबूब भाई किस तरह घुसेंगे अंदर? वही मैं सोच रहा हूँ कैसे जाऊँ अंदर, मुझे बैठना पड़ेगा जी, वहाँ अंदर घुसना पड़ेगा, कोशिश करते हैं। ईंटें तो आपके सामने पहुँचा दी, घुस जाएंगे अंदर? हाँ कोशिश तो कर अंदर जाने की, आराम से सर का ख्याल कीजिएगा, थोड़ा मैं दरवाजा पकड़ लेता हूँ, चलें अब जाएं आराम से आप अंदर। फंस गए, फंस गए हैं, फंस गए हैं आप। मैं कह रहा हूँ घर बन जाएगा लग तो ये रहा, कोशिश करनी पड़ेगी, देखो क्या होता है, पहले आप घुसे तो सही अंदर की तरह से। हाँ महबूब डिजाइनर समझ नहीं आ रहा आपको डिजाइन किस तरह बनाना है, समझ नहीं आ रहा तो गए। जी दोस्तों फाइनली हमने कबूतरों के घर बना लिए, महबूब भाई ने बड़ी मुश्किल और मेहनत से ना घर तैयार किया है। महबूब भाई अब बाहर निकलने लगे आप हैं? मैं बाहर आ रहा हूँ। चलो आप बाहर आ जाए फिर मैं दिखा दूंगा किस तरह आपने डबल पोर्शन बनाया सिंगल पोर्शन बनाया। डबल ही बनाया, जाके चेक करें देखें। तो दोस्तों कबूतरों का घर फाइनली तैयार हो गया, आपको दिखाते हैं किस तरह हमने बनाया है, पहले मैं अंदर घुस जाऊं। जी दोस्तों कबूतरों के घर फाइनली तैयार हो गए, ये नीचे वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमने नीचे वाला है, ये पोर्शन ऊपर वाला है। महबूब भाई ने बड़ी मेहनत के साथ ना अंदर बैठ के, पता नहीं वो किस तरह अंदर बैठ रहे हैं, मुझे तो अंदर बैठा नहीं जा रहा, झुक के बैठना पड़ता है। ये वाला पोर्शन एक है, एक ये वाला पोर्शन है, टोटल चार नीचे बनाए हैं, तीन ऊपर वाले पोर्शन में, सात घर हमने टोटल बनाए हैं। तो दोस्तों
अगर इससे कोई बेहतर आइडिया आप लोगों के पास है वो तो हमें बता देना। महबूब भाई ने अपने आइडिया से मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतर ये घर बना दिया है। ये देखिए डबल पोर्शन कर दिया है, शुक्र है तीसरा पोर्शन भी तैयार कर दिया उन्होंने। टोटल हमारे पास 7 घर बन गए, एक नीचे वाले पोर्शन में 4, ऊपर वाले पोर्शन में 7। अब मैं निकलता हूँ बाहर। मजीद आप जी दोस्तों, जैसे कि हमने आज अपने कबूतरों का घर बना लिया, बड़ी मुश्किल से महेंद्र गुस्सा गया, घुस के वो बनाया है और उसे अब सेट करेंगे, मेंटेन करेंगे। बाकी अब हमारे पास जो लक्के कबूतर बैठे हुए थे, अब हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे पास वो छोटा मास्टर गेट ठहरा हुआ है ना बजिस वाला, हम सोच रहे हैं उसके अंदर लक्कों का एक छोटा सा घर बना देते हैं ताकि वो वहाँ पे रह जाए। तो दोस्तों वो अपने लक्कों का घर तैयार करने लगे हैं छोटे मास्टर गेट के अंदर। महबूब भाई उनके लिए ईंटें वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं। महबूब भाई आज बहुत ज्यादा मेहनत नहीं हो गई? हाँ बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन उसका बनाते यार ईंटे देने हैं। हाँ ये तो है, चलो शुक्र है उनका फाइनल हो गया हमारा। बने डिजाइनर हुए आप घर उनको, मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छा बना दिया है। आप ख्याल कीजिएगा, मैं ईंटें उठा के देता हूँ आपको। ये वाली लोकेशन है, ये ठीक है यहाँ पे आपके पाँव के पास, यहाँ बना देते हैं लकों का। तो दोस्तों फाइनली हमारे लक्के का भी घर कंप्लीट हो गया है, महबूब ने घर तैयार कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह इसका घर बड़ा सिंगल बना है, घर बड़ा खूबसूरत घर बना है। अभी इस घर के अंदर इनका ना ये घोंसला वगैरह बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए पूरा इसके अंदर डाल रहे हैं। इसको ना फैला के अंदर डाल देते हैं ताकि रात को ये आराम से इसके अंदर रह सके ना। महबूब पकड़ा है लक्कों को, उनका नया घर बन गया है। आ जाए आराम से, छोड़े हाँ छोड़े छोड़े छोड़े। चलो भाई आ जाओ अपने नए घर में, तुम्हारा ये घर तैयार कर दिया। मैं भी आप अपना बाहर निकल जाते हैं, ये खुद ब खुद ना अंदर इसके अंदर बैठ जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए लक्के हमारे अपने घर के ऊपर बैठे हुए हैं, माशाल्लाह काफी खुश नजर आ रहे हैं। इनका पक्का पक्का दोनों को इंतजाम हो गया है, घर के मालिक भी दोनों आ गए हैं। बनाया बेशक महबूब भाई ने, मालिक तो असल ये है ना। वो भी देख रहे हैं किस तरह खुश है ये, अब बैठे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द ये अंडे देंगे। अच्छा तो दोस्तों ये देखिए हमने घर बनाया कबूतरों के लिए, कबूतर तो अंदर पहुंच गए, उसके साथ साथ मुर्गे भी पहुंच गए अंदर। ये नहीं हमें जिन्हें अब दोबारा अंदर घुसना पड़ेगा, इन्हें पकड़ना पड़ेगा। ये देखिए माशाल्लाह हमारे कबूतर भी अपने घरों के ऊपर चढ़ के बैठे हैं, इन्हीं के लिए हमने घर बनाया है। और माशाल्लाह ये काफी खुश नजर आ रहे हैं अपने घरों में ना बैठ के। तो दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं एंड, उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल चोलिस्तान पेट हाउस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक दे हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।